नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। आप में से बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं। कई लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास आय का अच्छा साधन है या बिजनेस करते हैं, वो भी अब ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि ऑर्गेनिक खेती शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या क्या चाहिए होता है। तो आज हमारे साथ हैं अमरजीत जी, जो एक बिजनेसमैन है। पहले इन्होंने खेती बिल्कुल नहीं की थी, इनके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसमें इन्होंने पिछले साल ऑर्गेनिक खेती की जीरो से शुरुआत की और आज ये बहुत अच्छी सब्जियां भी उगाते हैं। इन्होंने बाग भी लगाया हुआ है, फूल भी लगाए हुए हैं। तो अमरजीत जी से जानेंगे कि ऑर्गेनिक खेती शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और क्या क्या उसमें लगाना पड़ता है। अमरजीत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपने जैसे बताया कि आपने 4 एकड़ के इस खेत में बिल्कुल जीरो से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की। हाँ, तो आप दर्शकों को बताइए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है आपने, कैसे कैसे की, क्या क्या ज़रूरत पड़ी आपको। जी, जैसे हमने 4 एकड़ में बाग लगाया तो हमने इसको पहले तो इसमें हमने जीरो लेवलिंग करवाई इसकी, ताकि इसमें कहीं पानी न भरे, ताकि पौधे खराब ना हो। बारिश में ज़्यादातर हमारे उस साइड में 2-3 फुट पानी तक भर जाता था, तो इसलिए लेवलिंग भी मेरे हिसाब से ज़रूरी है, ताकि हमारे जो बागवानी के पौधे हैं वो ज़्यादा पानी को सहन नहीं करेंगे तो जल जाएंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने इस पर जाली से बाड़ करवाई है चारों तरफ से, आवारों पशुओं से बचने के लिए, और उसके बाद हमें पानी के लिए ड्रिप सिस्टम करवाया, ताकि पौधों को पानी टाइम टू टाइम अच्छे से मिलता रहे। रोटावेटर लिया है, छोटा रोटावेटर है, ताकि पौधों के बीच से ट्रैक्टर निकलने में असुविधा हो तो रोटावेटर से आसानी से इसकी खुदाई निराई गुड़ाई होती रहेगी। और नया बोर करवाया, क्योंकि हम पहले खेती नहीं करते थे, बोर की सुविधा भी नहीं थी, हमने बोर की भी करवाया है। बोर के बाद ये हमने तो सिंगल फेस का ही कनेक्शन लिया है, इससे 4 एकड़ में ड्रिप सिस्टम की वजह से चल जाता है, तो हमने सिंगल फेस का कनेक्शन लिया बिजली का, उसमें 3 HP की मोटर है, उससे हमारे 4 एकड़ में बहुत अच्छा पानी लग जाता है। और खाद के लिए हमने 7 ड्राम लिए, और डिकम्पोजर वगैरह तैयार करने के लिए 1000 लीटर की हमारे पास 4 टंकियाँ हैं, जो 2 हमारे यहाँ पे हैं, 2 घर पे रखी हुई हैं गोबर गैस प्लांट में, जहाँ गोबर गैस हम पानी की बजाय डिकम्पोजर में घोल के डालते हैं। तो इस सब में आपका कितना पैसा लगा, शुरुआत से बताएं कि जैसे आपने लेवलिंग करवाई उसमें कितना लगा, जाली में कितना लगा, आपने बाकी रोटावेटर लिया और कनेक्शन लिया, मतलब कुल इन्वेस्टमेंट आपकी आज कितनी हो चुकी है इसमें। हमने शुरू में जो लेवलिंग करवाई वो हमारी 1.5 लाख रुपये में हुई, और जाली वगैरह लगी इसमें लेबर के साथ, जाली हमारी 1.5 लाख में लगी। 85,000 रुपये का हमने रोटावेटर लिया, 60,000 रुपये की हमने ड्रिप लगवाई, 33,000 रुपये का एक फुहारा सेट भी लिया है इधर उधर पानी की दाएं बाएं करने के लिए, और इसमें हमने 850 पौधे लगाए अमरुद के, 100 रुपये के हिसाब से 85,000 के वो लिए, और 50,000 के हमने मौसमी लिए इसके अंदर, और 20,000 रुपये के हमने पपीता के पेड़ भी लगा रखे हैं वो लिए, और 20,000 के हमने सहजन के पेड़ लाए, 400 पेड़ जो हमें अब सारी दीवार के पास लगाएंगे मेड के ऊपर, और 7-8 हज़ार रुपये के हमारे ड्राम आए साथ, और 25,000 रुपये की हमारे पास टंकियाँ आई टोटल। ये जो इन्वेस्टमेंट है, वैसे तो हमने मतलब बोर भी करवाया, 57,000 रुपये बोर पे लगे थे, 20,000 रुपये हमारे कनेक्शन के लगे, 13,000 रुपये की मोटर आई, ऑफिस को छोटे तो 10 लाख रुपये। हाँ, तो मतलब 4 एकड़ में आपका 10 लाख रुपये खर्चा हो गया। तो यानी कि जो जीरो से शुरू करना चाहता है उसे 4 या 5 एकड़ के खेत में 8 से 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन ये उनके लिए है ये इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल पहले खेती जिन्होंने नहीं की, जो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया उनके लिए है। जो किसान पहले से कर रहे हैं उनके पास तो कनेक्शन भी होगा, पानी देने के लिए ड्रिप भी होगी, उन्होंने बाढ़ की व्यवस्था भी कर रखी होगी अपने साथ। अमरजीत जी ने जो खर्च बताया है उसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 या 2 देसी गाय और 1 या 2 परमानेंट लेबर और रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने बताया कि यदि आप जीरो से ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं, आपका अनुभव यदि नहीं है खेती में, तो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए 4 से 5 एकड़ में आपका 8 से 10 लाख रुपये खर्च आएगा। इसके बाद आपकी आमदनी शुरू होगी। हाँ, किसानों को इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी खेती कर रहे होते हैं, उनको ऑर्गेनिक खेती शुरू करने की लागत कम आएगी। तो ऑर्गेनिक खेती 2 लोगों को ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सकती है, एक तो जिनके पास आय का दूसरा साधन है और जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लेबर से काम करवा सकते हैं, दूसरा उनको शुरू करनी चाहिए जो मेहनत करने का मादा रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लेबर इसमें ज़्यादा लगती है। तो कई किसान जो खुद काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं, उनके लिए भी ऑर्गेनिक खेती में अच्छी आउटपुट मिल सकती है और ये एक लाभ का सौदा हो सकता है।
तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती, अगर आप किसान हैं, परंपरागत रूप से खेती करते हैं, तो 1 या 2 एकड़ से ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, और आपके पास यदि आय का अच्छा साधन है तो आप बड़े स्तर पर भी ऑर्गेनिक खेती एकदम से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।